नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने दाखिल किया पर्चा। नामांकन के अंतिम दिन फाइनल हुआ सपा प्रदेश अध्यक्ष का टिकट। यूपी के जिले में लोकसभा 49 सीट पर सपा प्रत्याशी के टिकट पर नामांकन के अंतिम दिन फाइनल मुहर लग सकी। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल आखिरकार सपा प्रत्याशी के रूप में कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी श्री इंदुमती के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सभी तरह के कयासों पर विराम लगा दिया। अनिल कुमार, इंडिया समाचार, जिला ब्यूरो चीफ, पदक। जिनका आप नाम ले रहे हैं शायद वो भारत के गृह मंत्री हैं और भारत के गृह मंत्री को स्तरविहीन बात नहीं करना चाहिए। समाजवादी परिवार का मैं हूँ, मैं नरेश उत्तम पटेल पिछले 45 वर्ष से समाजवादी परिवार में हूँ। समाजवादी परिवार लगातार भारत में बढ़ रहा है, इससे घबराहट है उनको और घबराहट की वजह से वो इस तरीके की बात करते हैं। भारत की लोकसभा का गृह मंत्री या भारत का प्रधानमंत्री या प्रदेश के मुख्यमंत्री या देश के जो भी शीर्षस्थ नेता हैं उनको कम से कम नैतिक मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए और लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करना चाहिए। समाज में विषभमन करने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है, इसीलिए जनता इनसे नाराज है और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी बनाएंगे। चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री के चेहरे? सब मेंबर पार्लियामेंट तय करते हैं। लोकतंत्र का ये नियम है, लोकतंत्र का ये नियम है कि जो निर्वाचित माननीय सदस्यगण होते हैं वो चुनते हैं कि कौन हमारा प्रधानमंत्री होगा, कौन हमारे स्पीकर होंगे, ये सब तय करते हैं लोकसभा के सदस्य। और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव सबसे बड़ी ताकत के रूप में इस देश में उभरे हैं। योगी आदित्यनाथ का कल एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन को वोट देना पाप का भागीदार। अजब पाप पुण्य पर वो आए हैं राजनीति में, वो पापे पुण्य तो बता करके जनता को ठग लेते हैं। भाषा जिस तरीके की माननीय मुख्यमंत्री जी की है यही घमंड ले डूबेगा उनको।